कराची में आशोबे चश्म के मरीजों की तादाद में कमी ना आ सकी, आई ड्रॉप्स की मसनूई किल्लत पैदा हो गई। जिन अस्पताल और सिवर अस्पताल समेत दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों में यौमिया आशोबे चश्म के 70 से 80 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रेड आई इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में रेड आई इन्फेक्शन की वबा फैल चुकी है, आई ड्रॉप्स की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है और इस वक्त बड़े और बच्चे तमाम कराची में आशोबे चश्म के मर्ज में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। मुसलसल इजाफा हो रहा है आशोबे चश्म के मरीजों में। इस हवाले से मजीद जाने के मुंतजर मेहदी से। जी मुंतजर, बताइएगा, आशोबे चश्म की वबा फैलती चली जा रही है? जी, कराची में आशोबे चश्म के मरीजों की जो तादाद में कमी ताहाल जो है नहीं आ सकी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आई ड्रॉप्स की जो मसनूई किल्लत है वो पैदा हो गई है। अगर केसेस की बात की जाए तो कराची जिना हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में जो है यौमिया तकरीबन 70 से 80 केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है जो अद्वियात हैं उनकी जो है मसनूई किल्लत जो पैदा की जा रही है, जो अद्वियात दस्तियाब हैं उनकी कीमतों में भी गैर मामूली जो है इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से जो है होलसेल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज में जो है मुतअद्दिद आई ड्रॉप्स की कीमतों में 20% जो है इजाफा हो चुका है। इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुंतजर मेहदी।